फर्स्ट ऑफ ऑल निर्मल वेलकम, अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। राइट, वैसे बिग बॉस की जर्नी आपके लिए इतनी जल्दी खत्म हो गई, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? मैंने हर आदमी कुछ ना कुछ जो मेंबर है वहाँ घर का कुछ ना कुछ सोच के चलता है। मैं भी सोच के गया इतना ज़्यादा, भाई मेरे को इस गेम के बारे में नॉलेज भी बहुत कम थी, मैंने टीवी बहुत कम देखता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके दोस्तों से मिल के, दोस्त बना के, और इसलिए मेरे सभी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मेरा किसी के साथ वहाँ झगड़ा नहीं हुआ बेमतलब का, और शायद इसलिए मैं दिखा भी कम क्योंकि वहाँ हमारा प्यार ज़्यादा था, तो बहुत अच्छा लगा। एक वहाँ अभी तक कोई सामने नहीं आया, थोड़ा दीपक पिछले गेम के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो जो उसने पीछे देखा है वही कर रहा है वो, वरना सब अच्छे हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं? सभी जोड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अभी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अपने क्या ये अनूप जी बहुत अच्छा है, दीपिका जी, सृष्टि जी और दीपक बहुत अच्छे हैं। और कौन है जो आपको लगता है सिर्फ कैमरे के लिए सब कुछ करता है? वहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कैमरे के लिए किसी ने कुछ किया हो, क्योंकि सब अपने अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वहाँ से अभी तक प्यार ही चला था। नफरत तो थोड़ी सी अब जागेगी जब कोई बाहर निकलता है, वही यार उसने ये गलती कर दी थी, वो बाहर चला गया, अब वहाँ प्यार नहीं दिखाएगा शायद कोई। हाँ जी, वेल रोमिल, और आप में से आपने घर से बाहर जाने का फैसला किया, इस पर आपके विचार क्या होंगे? इस क्वेश्चन को मैं आपको डिपेंड नहीं करना चाहता, जो आपको दिखेगा वो देखने को मौका मिलेगा। ओके, और सबसे ज़्यादा मिस क्या करेंगे आप? पूरे घर को मिस करूँगा, सृष्टि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बेटे की तरह थी, बेटी की तरह, उसको मिस करूँगा, देखने को भी मिला था, बहुत अच्छी थी वो, मैं इमोशनल था, वो बहुत मेरे से कुछ सीखी है, बहुत अच्छी है, उनको मैं मिस करूँगा और सभी घर के मेम्बरों को मिस करूँगा। अंत में आपके फैंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैन को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक आने के लिए हर आदमी जोर लगाता है कि किसी पायदान पर पहुँचे, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, वे पॉजिटिव रहे और अच्छा करने की सोचे तो अच्छा होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।